कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाने के बाद लोक अदालत ने 2015 को ऐसा ऑर्डर दिया है जो सारा डीआरएम को बोनस देना चाहिए, लेकिन वो ऑर्डर का बाद में भी जिन लोगों को बोनस नहीं दिया उसके बाद जो है हम लोग जो है उसको तो यूट्यूब चैनल सत्रह में हमारा 2770 किसानी को उनके चेक पे लागू किया है। आज जो आपके सामने हम बोलने बनता जो अच्छा काम करने वाला को अच्छा होता है ये सब नालायक को ना सस्पेंड होता है तो जेल होता है। तो हमारा सामने तीन जो चीफ सेक्रेटरी का होने का ये उनके चेक लागू किया वाला तो मजूमदार साहब वर्चे चेत लागू किया है गरीब वर्कर के लिए आंदोलन का तो सारा डिपार्टमेंट का गरीब मजदूर के लिए वर्चे चेत लागू किया। आज उन्होंने जो कैट का जजमेंट कर रहा है आज कैट के बच्चे दूसरा आपको मालूम है हमारा जेल में है जो तो मजदूर को विरोध किया लूटने वाला चीफ इंजीनियर आज जेल के अंदर पड़ा है। जो तीसरा चीफ सेक्रेटरी तो तीसरा चीफ सेक्रेटरी अभी है हम उम्मीद है कम से कम वर्कर का खिलाफ काम नहीं करेगा कोर्ट का ऑर्डर का खिलाफ काम नहीं करेगा उन्होंने उसको लागू करेगा करके वो बताया। तो इसीलिए तीन किस्म का चीफ सेक्रेटरी को हम देखा एक जेल में है एक कैद का जेल चुमन के आया और एक कैद बैठा है। हमें उम्मीद है ये वर्कर का खिलाफ उन्होंने नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज यहाँ पर बैठने वाला आप सबको मालूम है अंडमान के सारा डिपार्टमेंट में ये लाल झंडा लड़के बोनस दिलाया मैक्सिमम डिपार्टमेंट का डेली रेटर मजदूर को बोनस मिला है। ये पीडब्ल्यूडी का एक नाला किधर बैठा है जो म्युनिसिपल से चोरी करके जेल गया वाला एक महेश कुमार यहाँ पर बैठा है। उन्होंने 2015 से लेके पूरा प्रशासन को कंफ्यूज करता है पूरा गलत एडवाइस देता है ये महेश कुमार। उसके बाद आज भी उसका केस कोर्ट में है हाई कोर्ट में है में 80 लाख रुपया चोरी किया वो टाइम में तो कैशियर को सस्पेंड किया डीओ बैठ के आज भी सर्विस करता है 20 साल से फायदा होकर बैठा इधर ट्रांसफर होने से नहीं जाता किसी का पैर पकड़ के यही ऑफिस में कंटिन्यू करता है। और एक चीफ इंजीनियर अभी बैठा है कोई काम का लायक नहीं है। हम लोग कई डिस्कशन में गया अभी उसको हम लोग चीफ इंजीनियर मारता भी नहीं उसके पास जाता भी नहीं हम लोग कोई कैसे हम लोग सेक्रेटरी कमिश्नर के पास जाता है। तो दोस्तों आज एक चीफ सेक्रेटरी जो जेल में है उसका भी कारण यही है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। आपको मालूम है कैमरा का पूरा जो
भाई ये दोनों जाके चीफ सेक्रेटरी को हार्ड डिस्क लेके दिया है, दोनों विटनेस है क्या? इधर में अभी भी सीडी टू का एक लड़की के ऊपर हमला होता है, सेक्स फोर कैंडल का जो ये पीडब्ल्यूडी का कुछ ऑफिसर भी शामिल है, आज हम लोग लड़ता है सीडी टू का एक लड़की को जो सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं उसको ठीक करने के लिए कई बार हम लोग सेक्रेटरी कमिश्नर से भी मिला, जो पीडब्ल्यूडी में भी सेक्स फोर कैंडल चलता था। तो इसीलिए दोस्तों हम आया है हमारा लेजिटिमेट राइट के लिए, अंडमान में 15 तक 16 तक जो है सब डीआरएम को बोनस देता था, उस बोनस को जो वंचित करके पीडब्ल्यूडी कर पसूर को नहीं दिया और अभी बाकी सबको दिया, इधर में वंचित डेथ वाला को देता करके एक ड्रामा वाजी हुआ, वो ड्रामा में दिखाया तो वंचित डेथ वाला को देगा, तुमको कौन ऑर्डर दिया, कौन सा ऑर्डर में है वंचित डेथ वाला को गाली देने के लिए? हम उसके खिलाफ नहीं है, वंचित डेथ के साथ सबको मिलना चाहिए, लेकिन वंचित डेथ में है जिसको नहीं दिया उसको अरियर दे रहा है, ये ऑर्डर है। तो अभी आज ये ऑर्डर इश्यू किया, गलत ऑर्डर है, इसको रिवाइज करके सबको देने के लिए ऑर्डर इश्यू करना चाहिए। तो बोलने से जो कोर्ट का अवेला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और कोर्ट के ऑर्डर को आज चैलेंज नहीं हुआ, सबको आज लाइन ऑफ प्लान है, लाइन ऑफ प्लान के खिलाफ ऑर्डर इश्यू किया वाला बगैर को अरेस्ट करके लेके जाना चाहिए। जो न्यूयॉर्क के नवंबर ऑर्डर इश्यू किया है हाईकोर्ट के ऑर्डर में सबको उनसे दे रहा है, वो भी 2017 से जब तक उसका चैलेंज नहीं हुआ, ये कैसा ऑर्डर इश्यू किया? ठीक है, ऑर्डर इश्यू करने से सबको कॉन्ट्रेक्ट मिलने के लिए ऑर्डर इश्यू करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा यही दरखास्त है जो पीडब्ल्यूडी अथॉरिटी और प्रशासन से इमीडिएटली जो पीडब्ल्यूडी का सारा वर्कर को 2016 से लेके अब तक का पूरा अरियर का साथ देना चाहिए, जैसा कोर्ट ने ऑर्डर किया 2015 में 2018 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, इसको लागू करना चाहिए। ये लागू नहीं करेगा आप प्रशासन में बैठने का लायक नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर लागू करने का प्रशासन का काम है, वो काम अगर नहीं करेगा आप एक कुर्सी में बैठने का लायक नहीं। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर और आया है, अगर जरूरत पड़ेगा जो इसका समाधान नहीं होगा हम लोग यहाँ पर बैठ जाएगा, कंटिन्यू धरना और अंगद साइड पे बैठ जाएगा, ये हम लोग का चेतावनी है। जो वर्कर अपना तकलीफ आपके सामने बताने के लिए आया इसका बाद हम लोग फैसला करेगा यहाँ पर आके बैठ जाएगा। तो दोस्तों सबको धन्यवाद, जो ये प्रशासन को और एक बार दरखास्त कर எல்லோருக்கும் செங்கோடி வணக்கம். இன்று 7ஆம் நாள் பிப்ரவரி 7ஆம் நாள் சிஐடியினுடைய பகுதியான ஒரு யூனியன் பிடபிள்யூ ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் ASN VMS இன்று ஒரு தர்ணா செய்கிறது. இதன் காரணம் என்னவென்றால் பிடபிள்யூடியில் வேலை செய்யும் ஊழியர்கள் இரண்டு விதமாக பிரித்து போனஸ் பெறப்படுகிறது.
எல்லோருக்கும் போனஸ் கிடைக்க வேண்டிய கோர்ட் ஆர்டரை மதிக்காமல் ஒரு உண்டட்டியத் உள்ளவர்களுக்கு மாத்திரம் கொடுப்போம் என்ற ஒரு ஆர்டரை கொடுத்திருக்கிறது. உண்மையிலே இது கோர்ட் ஆர்டரை மதிக்காததாகும். அதனால் எங்களது யூனியனானது இன்று இந்த சி சீஃப் இன்ஜினியர் ஆஃபீஸருக்கு முன்பு நாங்கள் அதை மறுத்தளிக்கிறோம். எங்களுக்கு இது எல்லோருக்கும் போனஸ் வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையுடன் நாங்கள் இன்று இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த போராட்டமானது மிகவும் இந்த ஊழியர்களுடைய உரிமை போராட்டமாகும். குறைந்த அளவே போனஸ் இருந்தாலும் கூட இந்த ஒர்க்கர்களின் ஒரு உரிமை போராட்டமாக இதை நாங்கள் கொண்டு செல்கிறோம். இதோடு சேர்த்து இன்னும் சிறிது நாட்களிலே மீண்டும் எல்லோருக்கும் முன்தட்டியது கிடைக்க வேண்டும் என்ற போராட்டத்தையும் நாங்கள் நடத்துவோம். அவ்வாறு கோர்ட் ஆர்டர்களை மதிக்காவிட்டால் மீண்டும் இதைவிட வலுவான போராட்டங்களை நிகழ்த்தவிருக்கிறோம் என்பதை கூறிக்கொண்டு உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது விஎம்எஸ் பிடபிள்யூ ஒர்க்கர்ஸ் மூலமாக உங்களுடைய சங்கத்திற்கு ஜெனரல் செக்ரட்டரி என்பதாக நான் உங்கள் எல்லோருக்கும் செங்கொடி வணக்கம் செலுத்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன் எல்லா தொழிலாளர்களுக்கும் போனஸுக்கு கோர்ட் ஆர்டர் கிடைச்சாலும் அதை கொடுக்கறதுக்கு இவங்க ராஜி கிடையாது. கோர்ட் ஆர்டரையே மதிக்கிறாங்க. சிபி இன்ஜினியராக இருக்கிறவர் பெஸ்ட்டு, எந்த இதுவும் பண்ணுறாப்புல இல்லை. கோர்ட் ஆர்டரையே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலைன்னா அதை என்ன செய்ய முடியும்? நம்ம இது மாதிரி டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைக், அதில் தான் போக முடியும். இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு காரணமே இந்த சீப் இன்ஜினியர் தான். இப்போ எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது, இந்த ஒர்க்கருக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்க வேண்டியது இப்போ போனஸ் மட்டும்தான் இப்போ நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். மற்ற எதுவுமே இப்போ நாங்கள் சொல்லலை. எல்லாரும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறாங்க. இதில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இவங்க தொழிலாளர்களை பிரிக்கிறதுக்கு வழிவகை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே நேரத்தில் எங்கே அனுப்பக்கூடாதோ, துஷ்பிரயோகம் துஷ்பிரயோகம் பிரயோகம்னு சொல்கிறோம்ல, அது மாதிரி அதை எங்கே அவங்க அனுப்ப தொழிலாளர்கள் அனுப்பக்கூடாதோ அங்கே அனுப்புகிறாங்க. தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இவங்க யார் செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டாக பண்ணுறாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்தியாவிலேயே மேக்சிமம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லால் ஜெண்டா மட்டும்தான் தொழிலாளர்களுக்கு வேண்டியே. பிரைவேட் தொழிலாளர்களாக இருந்தாலும் சரி, நாங்கள் தான் லால் ஜெண்டா தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். வேறு எந்த பார்ட்டியும் வந்து இந்த மாதிரி பப்ளிக் இதெல்லாம் எதுவுமே செஞ்சது கிடையாது. செய்யும், எப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்யும். நாங்கள் இதை கண்டினியூவாக எத்தனையோ வருஷத்துக்கு காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்து செஞ்சுக்கிட்டு வர்றோம். அதனால் இவரை நான் கேட்டுக்கிறது என்னென்னா, போனஸுக்கு கோர்ட் ஆர்டர் கொடுத்துருச்சு, அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதை சீக்கிரம் கொடுக்கணும். அதான் எங்களுடைய எய்ம். இதோடு முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த அந்தமான எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கே 138th hour போனஸ்க்கு வச்சு யார் ஃபைட் பண்ணியது, எப்படி கிடைச்சது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் ஆளுங்க நினச்சிருக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இந்த யூனியன் பேரை கெடுத்துறதுக்காக. ஏன்னா இந்த ஜுலூஸ் வந்து இன்றைக்கி இது எதுக்கு எதுன்னு சொன்னால், இந்த வரப்போகிற நாளில் போனஸ்ஸு வந்து 2016 கிடைக்கணும். அந்த கிடைக்க வேண்ட போனஸை கிடைக்காமல் இருந்ததுனால அதை கெடுத்துறதுக்காக இவங்க ஒரு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கு. 138th hour மட்டும் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எல்லாருக்குமே கிடைக்கிறது மாதிரி ஆர்டர் தயார் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்குது. அதுதான் நம்ம மெயின் முத்தா. போனஸ் வந்து 2016 எல்லா டிஆர்எம்எஸுக்கும் கிடச்சிருக்கிறோம். அதுதான் நம்ம இஷ்யூ.